So now, by the end of the lesson, we have studied a lot of things about the map. So let's revise what we have studied previously. So what have we studied so far? We have studied maps. Maps kaise hote hain? They are on a flat surface. They are on paper. Flat surface ke upar hote hain maps. Koi plain paper hota hai, uspe hote hain maps. We all in the first slide we also saw. We also tried to figure out where Pakistan is located in the map. So you all must have imagined how maps are. Maps jo hai ek plain surface pe hote hai normally. Then there we saw a globe. You saw a picture of globe. Globe kis tarah ka hota hai? It can rotate and it is in the form of earth. Earth round hoti hai, the globe is round and it can be circulated. फिर आती है एटलस. एटलस क्या होती है? इट्स मोर लाइक अ बुक. उसमें मैंने आपको बताया था इट हैज सम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एज वेल. डिटेल्ड तरीके से हमें बताया गया होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है. दे ऑल्सो गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेसेस दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड इन द मैप. फिर आता है कंपस. कंपस से क्या होता है? हम डायरेक्शन पता करते हैं. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. Did it in the previous slide as well. It is one of the key feature element of a map as well. Har map mein compass zarur hota hai. Okay, then we studied about continents. Earth mein kitne continents hai? Hamari jo earth hai, hamari jo duniya hai, usme is divided into 7 continents. कॉन्टिनेंट्स किस में आते हैं? पीस ऑफ लैंड में आते हैं. सही है, जो लैंड है पूरे अर्थ की वो डिवाइड हुई हुई है 7 कॉन्टिनेंट्स में, 7 पीसेस में. सो व्हाट आर दोज? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रिया. एंड वी ऑल्सो स्टडी दैट एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और एशिया में हम लोग रहते हैं. पाकिस्तान इज लोकेटेड इन एशिया. देन ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉल कॉन्टिनेंट. सो नाउ लेट्स मूव टू ओशंस. ओशंस क्या होती हैं? जहाँ सी होता है, सी से बड़ी होती है ओशन. ओशन के अंदर से निकलता है सी. ठीक है, तो अगर हमें पता है कि 75% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. 75% जो अर्थ है वो पानी है. ठीक है, लैंड कम है दुनिया में, पानी ज़्यादा है दुनिया में. ठीक है, बट दैट इज नॉट ड्रिंकेबल वाटर बिकॉज वी कांट ड्रिंक सी वाटर, राइट? सो ओशंस जो हैं, वी हैव 5 ओशंस. एंड व्हाट आर दोज? आर्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, साउदर्न ओशन, इंडियन ओशन. एंड व्हाट विच इज द लार्जेस्ट ओशन? पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन. वी लुक्ड एट द मैप. हमने मैप में देखा था सबसे बड़ा पोर्शन किसका था? पैसिफिक ओशन का था. तो पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ी ओशन है. एंड आर स्मॉलेस्ट ओशन. Okay, so now we are going to revise the 4 types of maps that we have studied. So number 1 is political map. So what do you think is a political map? So a political map is a map that is designed to show government boundaries of countries or states, and it also locates the major countries, cities of that country. Sahi hai? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मैप देखा था वो शुरू में, उसमें पाकिस्तान लोकेट हुआ हुआ था और कराची भी अपेरेंटली हुआ हुआ होगा बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैप दैट वी सी उसमें जो कंट्री होती है उसका कैपिटल जो है वो लोकेट हुआ हुआ होता है बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मेजर सिटी ऑफ दैट कंट्री. तो फिजिकल मैप जो है आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि नॉर्मल मैप है. जो हम नॉर्मल मैप देखते हैं तो वो होते हैं हमारे फिजिकल मैप, जिसमें हमें कंट्रीज और उनकी सिटीज की लोकेशन बताई जा रही होती है. ठीक है, एंड मोस्टली दे उसमें कलर्स बहुत सारे होते हैं. ठीक है, देन देयर इज द नेक्स्ट वन इज फिजिकल मैप. अब फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप जो होता है वो हम डिजाइन करते हैं टू लुक आउट फॉर द नेचुरल लैंडस्केप फीचर्स ऑफ अर्थ. जो हमें नेचुरल लैंडस्केप फीचर्स बताती है. नेचुरल लैंडस्केप फीचर्स में क्या क्या आते हैं?
नेचुरल चीज़ें जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, माउंटेन, सीज, रिवर्स, लेक्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें होती हैं, वो नेचुरल लैंडस्केप होती हैं अर्थ की, और वो जो सब चीज़ें होती हैं वो फिजिकल मैप पे हमें बताई जा रही होती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप इज द मैप दैट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक थीम और सब्जेक्ट। ठीक है, तो मोस्टली अगर आई टोल्ड यू अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर से हमें बताया जा रहा होता है कि कौन सी जगह पे कौन सा कितना टेम्परेचर है, तो उसे कलर से लोकेट किया होता है। अगर जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वो रेड से होता है, जहाँ कम होती है वो जो है ना उसकी कलर लाइट होता जाता है, ऑरेंज हो जाता है, फिर ऑरेंज से येलो हो जाता है। सो दैट इज़ हाउ दे टेल अस। डिफरेंट डिफरेंट मैप्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, एंड दे ऑल्सो गिव यू दैट की, आई टोल्ड यू अबाउट द की। तो इसमें की बहुत इंपॉर्टेंट होती है थीमेटिक मैप्स में। ठीक है, कम समटाइम्स दे ऑल्सो टेल अबाउट ह्यूमन डाटा, पॉपुलेशन डेंसिटी और हेल्थ इशूज़ के बारे में भी बताया जा रहा होता है कि किस जगह पे किस तरह के हेल्थ इशूज़ हैं, किस किस जगह पे कितनी पॉपुलेशन है, मतलब कितने लोग रह रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं, अगर कहीं कम लोग रह रहे हैं या ज़्यादा लोग रह रहे हैं, उन सब की आइडेंटिफिकेशन हमें होती है थीमेटिक मैप के थ्रू। मोस्टली इट्स यूज फॉर लुकिंग आउट फॉर क्लाइमेट, ये क्लाइमेट किस तरह का है किस जगह पे। सो द लास्ट वन इज टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप क्या होती है, उसमें लाइन्स होती हैं बहुत सारी दैट शो द इवेल्युएशन ऑफ द एरिया। सही है, उसकी इवेल्युएशन मतलब कितनी स्टीप है, कितना कितना ऊंचा नीचा है, ये सब जो है हमें टोपोग्राफिकल मैप से पता चलता है। द लाइन्स, वी ऑल्सो सॉ द पिक्चर्स ऑफ टोपोग्राफिकल मैप, तो जो है वहाँ उस पर लाइन्स होती हैं। ठीक है, उसमें बता रहे होते हैं कि ये जगह स्टीप है, ये जगह फ्लैट है, इस तरह की चीज़ें होते हैं। तो जो है ना इसमें ये जो है ना रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट तरह के रॉक्स है, पूरी अर्थ में अलग अलग तरह के रॉक्स हैं अलग अलग तरीके के, तो जो है उनके बारे में हमें पता चलता है। और दिस मैप इज मोस्टली वेरी यूजफुल फॉर इंजीनियर्स बिकॉज इट हेल्प्स देम टू बिल्ड रोड्स एंड बिल्डिंग्स, और इसमें इससे हमें जो है ना मैन मेड स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू एलिमेंट्स ऑफ अ मैप। वी हैव फोर एलिमेंट्स इन अ मैप। की क्या होती है, की जो हमने पढ़ी है, की में हमें जो है बताया क्या होता है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द मैप। कोने पे दीवी होती है मैप के नीचे की, ताकि आपको समझ आए कि क्या चीज़ ये कौन से कलर से या कौन सी चीज़ को किस चीज़ से लोकेट किया हुआ है, दैट इज़ द की। ठीक है, स्केल होता है, स्केल हम मेजर कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, कोई रोड को मेजर कर रहे होते हैं, तो हमें उसमें बताया गया होता है कि ये रोड जो है इतनी किलोमीटर लंबी है, या उसमें जो है ना हमें स्केल दिया होता है। यू नो वॉट इज़ अ कंपस, कंपस हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सही है, फोर डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। देन देयर इज अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट में क्या होता है, हमें रेफरेंस पॉइंट में हमें कोई चीज़ बता रही होती है कि ये चीज़ यहाँ पे होगी, तो इस तरह से हमें रेफरेंस पॉइंट के बारे में, रेफरेंस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मैप बिकॉज इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द मैप। सही है,